सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम टू सिलेबल वर्ड्स के मिसिंग लेटर्स को फिलअप करेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज डिनर, डिनर. नेक्स्ट इज रॉकेट. नेक्स्ट वर्ड इज रॉकेट. नेक्स्ट वन इज ड्यूटी. देन गार्डन. बाकी जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनके मिसिंग लेटर्स आप एज अ होमवर्क कंप्लीट करेंगे. नाउ ओपन द पेज नंबर 22 एंड द टॉपिक इज नाउन्स. नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? एज यू ऑल नो दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं. रीड द सेंटेंसेस बिलो, पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड्स. द मैन इज वॉकिंग. मैन, man is a noun in this sentence. There is a horse outside. Horse is a noun. I have a small pencil. He lives in a village. In the sentences above, the words man, horse, village and pencils are naming words. Naming words are called nouns. Yani किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. सो राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर स्टार्टिंग विद द सेम लेटर. सो लेटर इज सी. सी से क्या स्टार्ट हो रहा है इस पिक्चर को अगर हम देखें तो सी से क्या बनता है अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर? दैट इज केक. दिस वन इज कैट. सी ए टी कैट. दिस इज a car, C A R, car. And this one is cap. Right students, so these all are nouns. So our next question is match the pictures with the naming words. So this one is, this picture is of peach. So match it with peach. Next, these are grapes. इसको किससे मैच करेंगे? ग्रेप्स के साथ. नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज वाटरमेलन. सो मैच इट विद दिस. नाउ द नेक्स्ट इज, सॉरी, इट्स नॉट अ वाटरमेलन, इट्स अ वाटरमेलन व्हाइल इट्स जस्ट अ मेलन. सो वी रेज दैट एंड नाउ मैच इट विद दिस मेलन. इट्स अ मेलन. This one is watermelon, right students? ये क्या है? Watermelon. And these are cherries. So it will match with cherries. Now students, come on the next page, that is page number 24. Put these naming words in the right column. अभी हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको हमने राइट कॉलम में मेंशन करना है. सो कॉलम कौन कौन से हैं हमारे पास? इन फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे पीपल यानी लोगों के बारे में, एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, प्लेसेस यानी जगहों के बारे में, एंड द लास्ट ऑफ थिंग्स यानी चीजों के बारे में. अब इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि पीपल्स में कौन से वर्ड्स आएंगे, देन एनिमल्स में कौन से नेमिंग वर्ड्स आएंगे, प्लेसेस में और थिंग्स में. सो फर्स्ट पीपल में हम क्या लिखेंगे? टीचर. राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज टीचर. देन एनिमल्स में हम क्या लिखेंगे? यस, कैट. नेक्स्ट इज प्लेसेस. तो जगहों में इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे? क्लास रूम. क्लास रूम. एंड थिंग्स, थिंग्स में से हम कौन से लेंगे? यस, फैन. राइट स्टूडेंट, सो बाकी कॉलम्स को आप यहां से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए फिलअप करेंगे एज अ होमवर्क. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लूरल्स. एडिंग एस और ई एस टू नाउन्स, वी एड एस टू मोस्ट नाउन्स टू मेक देम मोर देन वन. प्लूरल एंड सिंगुलर. सिंगुलर क्या होता है? अकेला. प्लूरल होता है ज्यादा. जब हमने सिंगुलर के साथ चीजों को ज्यादा करना होता है, प्लूरल बनाना होता है, तो हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 25. टू मेक प्लूरल्स वी एड ई एस टू नाउन्स विच एंड इन सी एच एस एच एस एंड एक्स. वी ऑल्सो एड ई एस टू सम नाउन्स विच एंड इन ओ. सर स्टूडेंट्स, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम
हमारे पास जो वर्ड सिंगुलर होता है, अगर उस सिंगुलर नाउन का एंड जो है वो सी एच एस एच एस एक्स एंड ओ से हो रहा हो, तो उन सब नाउन्स के साथ हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं जिनका एंड इन वर्ड्स के साथ नहीं हो रहा होता, इन नाउन्स के साथ नहीं हो रहा होता, उसके साथ हम सिंपल एस लगाते हैं। लुक एट दिस, फर्स्ट वन इज ब्रश, इसका एंड एस एच से हो रहा है तो हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं, ई एस, ब्रशेस। बॉक्स का एंड एक्स के साथ हो रहा है तो अगेन इसके साथ क्या लगेगा, बॉक्सेस। सो टोमेटो, टोमेटो का एंड ओ से हो रहा है तो ओ के साथ भी हम क्या लगाएंगे, ई एस, प्लूरल बनाएंगे, कैसे, टोमेटो, टोमेटोस। बस, बसेस। वॉच, वॉचेस। ड्रेस, ड्रेसेस। सो ओपन द पेज नंबर 26 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज काउंट द पिक्चर एंड एड एस और ई एस वी आर रिक्वायर्ड। ओके, सेम प्रोसीजर जो मेथड हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एस का इजाफा हम प्लूरल में किस जगह करते हैं और ई एस किन नाउन्स के साथ लगाते हैं। सो बॉल के एंड सिंपली है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, बॉल्स। बास्केट्स के साथ भी अगेन एस सिंपल, सो इट मेक बास्केट्स। बुक्स के साथ, बुक के साथ क्या लगेगा, एस, सो क्या प्लूरल बन जाएगा, बुक्स। नाउ कम ऑन द चेयर, चेयर के साथ भी सिंपल एस लगेगा और प्लूरल क्या बन जाएगा, चेयर्स। सो टोमेटो का एंड ओ से हो रहा है तो हमने पढ़ा था ओ के साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस, सो प्लूरल क्या बनेगा टोमेटो का, टोमेटोस। की के साथ भी सिंपल एस लगेगा और प्लूरल बन जाएगा, कीज। क्वेश्चन नंबर टू इज एड एस और ई एस टू मेक अ प्लूरल। अब हम इनमें से फाइंड आउट करेंगे कि किन के साथ हमने एस लगाना है और किन के साथ ई एस लगाना है। सो पेज के साथ हम सिंपल एस लगाते हुए इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, पेजेस। अगेन रूपी, रूपी के साथ भी सिंपल एस लगेगा और क्या प्लूरल बन जाएगा, रूपीज। मशीन, मशीन के साथ भी क्या लगाएंगे, जी हाँ, सिंपल एस और क्या बन जाएगा प्लूरल, मशीन्स। बस, बस का चूंकि एंड एस से हो रहा है तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, सो इट विल मेक बसेस, क्या प्लूरल बन जाएगा, बसेस। स्टिच का एंड सी एच से हो रहा है तो अगेन इसके साथ हम, सॉरी, अगेन इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, स्टिचेस बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ग्लास, ग्लास का एंड भी एस से हो रहा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस, सो इट विल ग्लासेस, क्या प्लूरल बनेगा ग्लास का, ग्लासेस। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मैंगो, मैंगो का एंड जीरो, सॉरी, ओ से हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, ई एस, तो मैंगो का प्लूरल क्या बन जाएगा, मैंगोज, राइट स्टूडेंट्स। ओपन द पेज नंबर 27, द टॉपिक इज नाउन जेंडर। नेमिंग वर्ड टेल अस इफ अ पर्सन और एनिमल इज अ मेल और फीमेल। यानी नाउन यानी नेमिंग वर्ड से हमें पता चलता है कि जो जेंडर है वो पर्सन जो है वो जिस जेंडर की हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। सो एग्जाम्पल क्या है, बॉय है या गर्ल है। द वर्ड बॉय इज of masculine gender and the word girl is of feminine gender. यानी अगर boy है तो वो masculine gender में आएगा और girl है तो feminine gender में। इसी तरह हर चीज का masculine और feminine gender होता है। read these naming words with their gender, masculine, feminine. brother का feminine क्या होता है, sister. uncle का aunt. son, daughter. grandfather, grandmother. mother, father. nephew, niece. हस्बैंड, वाइफ, ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड। ओपन द पेज नंबर 28, क्वेश्चन इज राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो। प्रीवियस पेज में हमने जिस तरह से जेंडर्स के बारे में पढ़ा, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, सो हियर इज मैस्कुलिन, अब इसका हमने फेमिनिन लिखना है। किंग का फेमिनिन क्या होता है, क्वीन, क्यू यू डबल ई एंड क्वीन। एम्पीरियर, एम प्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस। प्रिंस का फेमिनिन क्या होता है, प्रिंसेस, राइट स्टूडेंट्स। बाकी ब्लैंक्स को फेमिनिन जेंडर जो है वो आप एज अ होमवर्क कंप्लीट करेंगे।
Now come on the page number 531. The topic is pronouns. Read the sentence below. Pay attention to the highlighted words. Ali won the race. It was too easy for him. For him, किसके लिए? अली के लिए. A pronoun is a word that takes the place of a noun. We use pronoun to avoid repeating the same word or words over and over again. Pronoun किसको कहा जाता है बच्चों? जो noun की replacement में use होता है. Noun क्या होता है? Naming word. Naming words की जगह यानी noun की जगह हम बार बार noun को पूरे sentence में repeat करने के बजाय pronoun को use करते हैं. किस तरह से use करते हैं? Here are some common pronouns. Me, you, him, her, us, them, I, you, he, she, we, they, and it are the pronouns. अब इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? Rewrite the second sentence. Replace the underlined words with pronouns. So first sentence is Ali goes to school daily. Ali रोज स्कूल जाता है. Ali is a good student. अब बार बार आप अली का नाम तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो अली के नाम की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? लुक एट दिस. अली goes to school daily. Ali is a boy, तो boy के लिए हम क्या use करेंगे? He is a good student. So he यहां पे हमारे पास क्या बन गया? Pronoun. Noun is Ali और noun कौन सा है ये? Proper noun. So, Ali goes to school daily. He is a good student. He, यहाँ पे क्या हो गया? Pronoun. Next sentence is, the children went to the park. The children played on swing there. Simply के हम कोई भी जुमला जब बोल रहे होते हैं या इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम बार बार noun को repeat नहीं करते, बल्कि suppose अगर हम कहते हैं कि सारा स्कूल गई है, तो बार बार आप इस तरह से नहीं बोलेंगे कि सारा स्कूल गई है, सारा इतने टाइम पे स्कूल पहुंच गई थी, सारा इतनी देर तक स्कूल में रहेगी और सारा को इतने बजे छुट्टी होगी, बल्कि हम नॉर्मली किस तरह से बात करते हैं कि सारा स्कूल गई है, वो इतने बजे स्कूल पहुंच गई थी और उसका काम इतने बजे खत्म हो जाएगा और वो इतने बजे स्कूल से वापस आ जाएगी. सो सारा की रिप्लेसमेंट में जो हम प्रोनाउन नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज करेंगे उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. सेम लाइक दैट, सो द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क. अब हम द चिल्ड्रन की जगह क्या यूज करेंगे? दे. ज्यादा बच्चे हैं तो क्या यूज करेंगे? दे. दे प्लेड ऑन स्विंग्स देयर. राइट स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड कि आपने नाउन की जगह प्रोनाउन को किस तरह से यूज करना है. सो सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप अपनी बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर 32. The topic is classification of pronoun. अब pronoun की आगे steps के बारे में, मजीद steps के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी pronoun की classifications कौन कौन सी हैं. So subject pronoun and object pronoun. Subject क्या होता है? जो काम कर रहा होता है. किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट डेफिनेटली होता है. सो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? I like swimming. And object pronoun, I का pronoun क्या बनेगा? Me. Mother called me. So object pronoun में हम ऐसा तो नहीं use कर सकेंगे कि mother called I. तो object pronoun में क्या use होगा? Me. Mother called me. So इसी तरह से subject pronoun you का क्या है? Again same. Object pronoun you का भी same है, you ही. He, him, she, her, it, again same object pronoun है, it and it. We का subject pronoun we है और उसका object pronoun क्या है? Us. They, them. We use the subject pronoun as the subject of the verb. We use the object pronoun as the object of the verb. यानी हम subject pronoun को subject के तौर पर use करते हैं और object pronoun को object
के तौर पर यूज करते हैं वर्ब के. सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस बिलो. अब हम इसमें से सर्कल करेंगे कि प्रोनाउन कौन से हैं और अंडरलाइन करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को. सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम सर्कल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम अंडरलाइन करेंगे. सो दे कॉल्ड अस टुनाइट. दे क्या है? जी हाँ, सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो इसको हम करेंगे सर्कल. शी गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. शी यहां है सब्जेक्ट. सॉरी, कम ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज दे कॉल्ड अस. दे को हमने सर्कल कर लिया लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हमने अंडरलाइन नहीं किया. सो अंडरलाइन दिस, दैट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस. दे अस, शी मी. मी इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दिस सेंटेंस. शी गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज ही नेवर केम टू हेल्प देम. ही क्या होगा यहां पे? सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ही यानी सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है और जिस पर काम हो रहा है, यानी देम. सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? देम. राइट स्टूडेंट? सो सेम प्रोसीजर, सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप अपनी बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. नाउ ओपन द पेज नंबर 33. टॉपिक इज पॉइंटिंग वर्ड्स. पॉइंटिंग मतलब इशारा करना, वर्ड्स यानी अल्फाज. पॉइंटिंग वर्ड्स वो होते हैं, यानी पॉइंटिंग मीन्स हम किसी चीज की तरफ इशारा करके उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, या किसी भी चीज की तरफ इशारा करना पॉइंटिंग कहलाता है. रीड दिस सेंटेंसेस, पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड्स. दिस इज माय बुक. दिस क्या है यहां पर? पॉइंटिंग वर्ड. किसी भी चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो जो वर्ड हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग वर्ड. सो कुछ पॉइंटिंग वर्ड्स हैं जिनको हमने रिमेम्बराइज रखना है. सो दैट इज अहमद्स बुक. वो अहमद की किताब है. दीज आर माई पेंसिल्स. ये मेरी पेंसिल्स हैं. दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज प्लूरल. ज्यादा चीजें होंगी तो हम दीज यूज करेंगे, एक चीज होगी तो हम दिस यूज करेंगे. इसी तरह से दैट इज यूज फॉर सिंगुलर एंड दोज इज यूज फॉर द प्लूरल. दैट का मतलब होता है वो, दोज फॉर द प्लूरल. दोज आर आयशाज पेंसिल, और वो आयशा की पेंसिल्स हैं. द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर प्रोनाउंस. वी यूज दीज टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग वर्ड्स. यानी ये वर्ड्स जो हैं, जो हम यूज करते हैं, इनको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वर्ड्स. लुक एट द पिक्चर बिलो. सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है? दिस, और प्लूरल के लिए दीज. इसी तरह हमारे नजदीक कोई चीज है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन ऑरेंज. लेकिन अगर वही ऑरेंज थोड़ा सा दूर है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज एन ऑरेंज. वो एक ऑरेंज है. और प्लूरल में हम क्या कहेंगे? दीज आर ऑरेंजेस. ये माल्टे हैं. और अगर वो माल्टे दूर हैं, ऑरेंजेस दूर हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर ऑरेंजेस. राइट स्टूडेंट्स? पेज नंबर 34. क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स. नंबर वन इज डैश बुक इज माइन. बुक यानी सिंगुलर के लिए बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? दिस बुक इज माइन. नेक्स्ट ब्लैंक इज डैश आर द पेन्स आई बॉट फॉर माई ब्रदर. पेन्स यानी प्लूरल की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? दीज. दीज आर द पेन्स आई बॉट फॉर माई ब्रदर. राइट स्टूडेंट? सो सेम चीज, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप अपनी बाकी ब्लैंक्स को एज अ होमवर्क फिलअप करेंगे. पेज नंबर 35. द टॉपिक इज आर्टिकल्स. आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आ, एन एंड द. आ एंड एन. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स गिवन. आ जिराफ, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, आ मैन. इफ अ नाउन बिगिन विद अ कंसोनेंट वी यूज आ बिफोर इट. एग्जाम्पल आ जिराफ, आ मैन. इफ अ नाउन बिगिन विद अ वोवल वी यूज एन बिफोर इट. एग्जाम्पल एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. ओके स्टूडेंट्स, जब भी कोई वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ सिंपली आ लगाते हैं. और अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल कौन कौन से हैं? आ, ए, सॉरी, आ, ई, आई, ओ, यू,
दीज आर द वोवल्स. जो वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम सिंपली आ लगाते हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद आ और एन. देयर इज डैश स्नेक इन द ग्रास. स्नेक किसके साथ स्टार्ट हो रहा है? एस के साथ, वोवल के साथ नहीं हो रहा. सो कॉन्सोनेंट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आ. आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू. एलिफेंट वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन. राइट स्टूडेंट? सो सेम मेथड को फॉलो अप करते हुए आप अपनी बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 36. अब हम द के बारे में पढ़ेंगे कि द किन सेंटेंसेस में यूज होता है. रीड द सेंटेंसेस बिलो. आई सॉ क्रोकोडाइल. द क्रोकोडाइल वॉज वेरी ह्यूज. वी यूज द इन प्लेस ऑफ आ और एन व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन फॉर अ सेकेंड टाइम. यानी जब हम नाउन को सेकेंड टाइम यूज करते हैं तो हम आ और एन की जगह द यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज द इन द फॉलोइंग केसेस. Before the names of river, ocean and seas. यानी rivers, ocean और seas के साथ भी हम क्या use करते हैं? The. Example, the suppose Pacific Ocean के साथ हम क्या लगाएंगे? The. Chenab River के साथ हम क्या लगाएंगे? The. Again, Arabian Sea के साथ हम क्या लगाएंगे? The. Before things that are only one of their kind, example, the sun, the earth. यानी इसके अलावा बहुत कुछ स्पेशल चीजें हैं या जो अपनी जो इंडिविजुअल चीजें हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं होता या जिनके साथ मजीद ये मजीद चीजों को एक्सटेंड नहीं कर सकते. जैसा कि मिसाल में बताया जा रहा है कि द सन एंड द अर्थ. सन के साथ हम एस लगा के उनको सन्स नहीं बन सकते क्योंकि सूरज एक ही होता है. अगेन अर्थ के साथ हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि जमीन भी एक ही है, अर्थ्स नहीं उनको कर सकते. तो इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स के साथ हम लोग द यूज करते हैं. राइट स्टूडेंट? Now come on the page number 37, filling the blanks with a, an or the. So dash Pacific Ocean is the largest ocean in the world. So is ocean ke saath hum Pacific Ocean ke saath kya lagayenge? The. I need dash new pair of shoes. I need a. Right student? So same method ko follow up karte hue aap apni baki exercise ko complete karenge. Page number 38, the topic is action words. यानी वर्ब्स. वर्ब्स किसको कहते हैं? एक्शन वर्ड. यानी जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब या एक्शन वर्ड. रीड द सेंटेंसेस बिलो. पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड्स. द बॉय इज प्लेइंग. प्लेइंग इसमें क्या है? वर्ब यानी एक्शन वर्ड. तो लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है. प्लेइंग इज वर्ब, इनफैक्ट एक्शन वर्ड. ग्रैंडपा इज टेकिंग रेस्ट. टेकिंग यानी कर रहे हैं. ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं. सो टेकिंग इज एन एक्शन वर्ड. आई एम राइटिंग अ लेटर. इन दिस सेंटेंस राइटिंग इज एन एक्शन वर्ड. द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट. ट्रेन जो है वो बहुत तेजी से